हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदास कुजीन। आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट चकली, जो बनी है पके हुए चावल और गेहूं के आटे से। तो चलिए शुरू करते हैं। चकली कितनी अच्छी बनी है वो तो बनाते वक्त उसके खुशबू से ही पता चल जाती है कि आप घर पे चकली बनाओ और बगल वाले के घर तक आपके चकली की खुशबू चली जाए। हमारी चकली कितनी अच्छी बनी है, देखिए कितने आसानी से बिना प्रेशर के ही ये टूट गई और अंदर से भी कितने अच्छे से पकी है। और जब मैं ये चकली बना रही थी तो सच में बगल वाले के घर तक खुशबू जा रही थी और हाथ में भी ऑयल बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो चलिए यही चकली की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन, 1 कप पका हुआ चावल, 1 टेबलस्पून उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून मूंग की दाल। कॉटन का कपड़ा लें और उसे पूरी तरह से फैला दें। अब इसमें 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन, 1 टेबलस्पून मूंग की दाल और 1 टेबलस्पून उड़द की दाल रखें। एक चम्मच लें और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। कॉटन के कपड़े के सारे किनारों को इकट्ठा करें और आटा ना बिखरे इसलिए इसे अच्छी तरह से टाइट बांध लें। ऐसे देखिए हमारे आटे की पोटली बनकर रेडी हो गई। अब बांधे हुए आटे को स्टीम करने के लिए प्रेशर कुकर लें, उसमें थोड़ा सा पानी रखें, उसके नीचे एक स्टैंड या जाली जो प्रेशर कुकर के साथ आती है वो रखें। अब एक स्टील का बर्तन रखें और फिर जो आटा हमने बांधा था उसे उस बर्तन के अंदर रख दें और इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएं। हमारे प्रेशर कुकर की 4 सीटी आ चुकी है, अब इसे गैस बंद करें और ठंडा होने दें। जब तक हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है तो चलिए मसाला रेडी करते हैं। मसाले में हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच पोहा, 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 10-12 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच साबूदाना। भुने हुए मसालों का स्वाद चकली में काफी अच्छा आता है, इसलिए एक एक मसालों को हल्का सा भून लें और उसे निकाल दें। पोहा हमारा हल्का सा लाल हो गया है और क्रिस्पी भी हुआ है, तो इस स्टेज में हम पोहा निकाल देंगे। अब हम बचे हुए मसालों को भी इसी तरह से भूनकर निकाल लें। मसाले में हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अजवाइन भी लिया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। इसे भी अच्छी तरह से भून लें। सारे मसालों को अच्छे से ठंडा करें और मिक्सर में बारीक पीस लें। मसाले को मिक्सर में बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है तो चलिए इसे खोलते हैं। देखिए हमारा आटा पक्के रेडी है और ये एकदम ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब पोटली को अच्छी तरह से ठंडा करें और इसे खोल लें।
हमने इसे स्टीम करते वक्त इसे एक बर्तन में रखा था ताकि प्रेशर कुकर के नीचे जो स्टीम करने के लिए हमने पानी रखा था वो पानी इसमें ना जाए। इसलिए देखिए हमारा आटा बिल्कुल ड्राई स्टीम हुआ है। इसी तरह से स्टीम करें। गेहूं का आटा और बाकी के चीज़ों को स्टीम करने से उनमें से कच्चापन निकल जाता है और काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। ये काफ़ी सख्त हो गया है स्टीम करने के बाद। अब इसे हल्के हाथ से इस तरह से तोड़ दें। हमने स्टीम आटे को तोड़कर रेडी कर लिया है। अब मिक्सर जार ले जिसमें हमने पहले मसाला पीसा था उसी में ही अब थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा हुआ आटा रखें और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लें। आटे में रखने के लिए हमें चाहिए नमक, लाल मिर्च पाउडर और सफ़ेद तिल। आटा गूंदने के लिए एक बाउल लें और मसाले के साथ जो हमने आटा पीसा था वो पूरा रख दें। अब मिक्सर जार लें और जो पका हुआ चावल है उसे रखें, थोड़ा सा पानी डालें और इसे भी अच्छी तरह से बारीक पीस लें। हमने पके हुए चावल को काफी अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब आटा वाला बर्तन लें और ये पीसा हुआ चावल उसमें रख दें। आटे में स्वाद अनुसार नमक रखें, लाल मिर्च पाउडर रखें, आप जितना तीखा पसंद करते हो उसे हिसाब से लाल मिर्च कम या ज़्यादा रख सकते हो। अब सफ़ेद तिल रखें, इससे चकली का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। अब एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म किया था उसे इस आटे में रख दें। एक चम्मच की मदद से इसे हिलाएं, काफ़ी गर्म है इसलिए पहले चम्मच से ही हिलाएं, हाथ से ना करें। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसे अब हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए ये हाथ में ही पेड़ा बन रहा है तो इसमें ज़्यादा पानी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी रखेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी रखें और इसे अच्छी तरह से गूंद लें। अगर आटा थोड़ा ज़्यादा टाइट लग रहा है तो आप और थोड़ा सा पानी रखकर इसे फिर से अच्छी तरह से गूंद लें। आटा अच्छे से गूंदने के बाद अब इसे 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दें। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम कढ़ाई में तेल रखें और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरह से गर्म होने दें। अब चकली का सांचा लें और उसमें अच्छे तरह से अंदर से तेल ब्रश करें। दस मिनट बाद आटे को फिर से अच्छी तरह से 2 मिनट तक गूंद लें। अच्छे से गूंदने के बाद आटे को इस तरह से लंबा आकार दें और इसे अब सांचे में रख दें और उसे ऊपर से हाथ से अच्छी तरह से दबा दें।
सांचे में आटा रखने के बाद अब इसका ऊपरी भाग ले और उसे इस तरह से अच्छे से बंद कर दें। अब सांचा लें और उसे गोल घुमाते हुए एक एक करके सारी चकलियां बना लें। चकली बनाने के बाद उसके लास्ट के ये और बीच का जो भाग है उसे थोड़ा सा दबा दें, ताकि जब आप तेल में चकली डालो तो फ्राई करते वक्त चकली खुल ना जाए। इसलिए हमेशा लास्ट में और जो शुरुआत की होती है चकली, देखिए लास्ट में मैंने ये प्रेस किया, इसी तरह से सारी चकलियां बना लें। तेल अच्छे से गर्म हो गई है, अब एक एक करके रखे चकली। हम स्टार्टिंग में खाली दो चकली ही रखकर देखेंगे। देखिए जब आप तेल में चकली डालोगे तो कितने बबल्स आ रहे हैं, जब ये बबल्स हल्के से कम हो जाएंगे तब ही चकली को पलटना है। अब हल्के से बबल्स कम हो गए हैं, अब एक एक करके हम चकली पलट देंगे। चकली को हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाएं। लो फ्लेम में अगर आप चकली बनाओगे तो चकली ज़्यादा तेल सोख लेगी और वो ज़्यादा ऑयली लगेगी। देखिए हमारी चकली अच्छे से पक गई है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब आपकी चकली पूरी तरह से पक जाएगी तो वो तेल के नीचे जाके बैठेगी। देखिए हमारी चकली नीचे जाके बैठी है, यानी हमारी चकली परफेक्टली रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना हमारी चकली। इसी तरह से बाकी की जो चकलियां हैं उसे भी फ्राई करके रेडी कर लें। सारे चकलियां बनाकर हमने रेडी कर लिया है। ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।